एवरीवन, वेलकम बैक टू किचनपीडिया। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ सबसे आसान ट्रिक जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम। तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड दिस इज सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दिस इज द इजीएस्ट ट्रिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम टू डिजिट नंबर से शुरू करते हैं। तो एक सम मैं सॉल्व करूंगी और एक सम आप सॉल्व करेंगे इस वीडियो को पॉज करके, और मैं आपसे आपको आंसर रिवील करूंगी और आपको बस चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि गलत। सो पहला सम मैं आपको बताने वाली हूँ, सम ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ 52। अब पहला स्टेप जो होता है, हमें 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिखने होते हैं। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। These are 10 consecutive numbers of the number 52. Simple. अब आपको क्या लेना होता है, आपको पहला वाला नंबर लेना होता है 52 और उसमें ऐड कर देना होता है 4। तो 52 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 इज 6 एंड 56। और जो आपका आंसर आया उसके आगे ऐड कर दो 5। तो आपका आंसर आना चाहिए 565। और लेट्स चेक, अगर आप आपके पास कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हैं और आंसर यही आने वाला है, आई एम 100% श्योर। देखिए सिंपल सी ट्रिक है, आपने लिए 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ 52, लिख लिए बस। अब आपको पहला नंबर लेना है 52, उसमें ऐड कर देना है नंबर 4। अब जो आपका आंसर आया उसमें ऐड कर देना है नंबर 5 और हो गया आपका आंसर 565। सिंपल। अब आप इस वीडियो को पॉज करके निकालिए 10 सम ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ 61। और मैं पहले से बता दूं कि ये सिर्फ ट्रिक 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में अप्लाई होती है, 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। गॉट इट? चलिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और मैं आपको रिवील करने वाली हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई एम गिविंग यू 5 seconds एंड द आंसर इज 655। अगर आपका गलत आंसर आया है तो यू कैन रीचेक योर आंसर अगेन बाय दिस प्रोसीजर जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। एंड अगर आपका सही आया है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड या लेट्स मूव ऑन नंबर्स। ओके, सो सम ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ 701, 3-digit नंबर्स। अब इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा, फर्स्ट प्रोसीजर आपको पूरे 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं। तो मैं पूरे ना लिख के मैं सिर्फ को बता देती हूँ कहाँ तक जाने वाला है। ये जाने वाला है 710 तक, क्योंकि देखा जाए 702, 703 ऐसे करके सीधा जाएगा 710 तक। अब आपको क्या लेना है, पहला वाला नंबर मैंने आपको जैसे ही बताया था 701, आप ऐड कर देना है उसमें 4। तो आपका आंसर आएगा 705 और उसमें ऐड कर देना है एक और 5। तो आपका क्या आंसर आएगा, 7055। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में और यही आंसर आएगा। ओके, आप लोग के लिए मेरा सम नीचे दिया हुआ है, 10 consecutive numbers, sum of 10 consecutive numbers of the number 112। और मैं बता दूं, मैं वापस से बोल रही हूँ, ये ट्रिक सिर्फ 10 consecutive numbers में ही काम करेगी, ठीक है? तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द आंसर। द आंसर इज 1165। जिन लोग के लिए ये आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लोग का नहीं आप इस प्रोसीजर से चेक कर सकते हैं अपना आंसर। आई जस्ट ट्राई इट अगेन। अब आते हैं 4-digit नंबर्स में, ठीक है? 4-digit नंबर्स में भी वही स्टेप है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। सम ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ 3103। ओके, इसका आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप था पूरे कॉन्सिक्यूटिव लिस्ट करना, तो आप लिस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लिख सकते हैं।
तो मैं आप पूरा लिस्ट ना करके मैंने जैसे पिछली स्लाइड में किया था, मैं ऐसे लिख देती हूँ 05, जस्ट अ सेकेंड, 3105, एंड दिस गोज टिल 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ये हमारा जाएगा 3112 तक. ओके, तो यहाँ से 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आपको दिख जाएंगे. यू कैन काउंट ऑल्सो, अगर आप पूरा लिख सकते हैं अपने पेन में, इट्स वेल एंड गुड. तो अब आपको क्या लेना है, पहला वाला नंबर इट्स 3103, उसमें ऐड करना है आपको 4. तो 4 + 3 = 7. और अब हम सब लिख देंगे, ओके. अब मैंने आपसे कहा था जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको ऐड कर देने हैं 5. सिंपल. अब देखिए कैलकुलेटर में क्या यही आंसर आएगा. एंड हाँ, आंसर यही आएगा 31075. ठीक है, अब आप लोग करिए सेकंड वाला क्वेश्चन, सम ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑफ 4555. एंड नाउ आई एम रिवीलिंग यू द आंसर. आप और आप लोग पॉज भी कर सकते हैं वीडियो. द आंसर विल बी 4555, जस्ट अ सेकंड, 45595. मैं वही बोलूंगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन लोग का ये आंसर सही आया है. नाउ बस यही था आज की वीडियो के लिए. होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प कर सकती है. कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो जस्ट यू कैन सॉल्व इन 2 सेकंड्स, यू नो, जस्ट इन 2 सेकंड्स. तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. Until then, bye.